बिजली और पानी के बिल चुकाने को लेकर नेताओं द्वारा की जाने वाली कोताही के मामले अक्सर सामने आते हैं और इसकी वजह से उनकी किरकिरी भी होती है। इस बार मुलायम सिंह यादव यूपी के बिजली विभाग की जांच के दायरे में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से जाते ही मुलायम सिंह के इटावा स्थित घर में बिजली विभाग ने जाँच शुरू कर दी है। जाँच के दौरान ये सामने आया कि मुलायम सिंह के बंगले में 5 किलोवाट लोड का मीटर लगा है, जबकि उनके घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली के हिसाब से 40 किलोवाट लोड का होना चाहिए, इसलिए बिजली विभाग ने क्षमता बढ़ाकर नया मीटर लगा दिया है। मुलायम सिंह यादव को बिजली बिल के तौर पर 4 लाख से ज्यादा रुपए भी चुकाने हैं। बिजली विभाग ने 30 अप्रैल तक उन्हें इस रकम को जमा करने के लिए कहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बड़े नेताओं ने बिजली बिल चुकाने में देरी की हो। 2015 में नई दिल्ली नगर पालिका ने एक लिस्ट जारी की थी जिसके हिसाब से 1000 से ज्यादा सांसदों पर लाखों के बिजली और पानी बिल बकाया थे। इनमें वर्तमान और पूर्व सांसदों के अलावा मृत सांसदों के नाम थे। उस वक्त इस लिस्ट को लेकर काफी हंगामा हुआ था। लिस्ट में सोनिया गांधी, एलके आडवाणी, स्मृति ईरानी के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम थे। गो न्यूज़ ब्यूरो।